वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ फोटो कंडक्शन इन पीवी। ओके, पीवी सेल मतलब फोटोवोल्टेइक सेल। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोग एक बार समझ लोगे ना अच्छे से तो फिर आप एग्जाम में अपने से बना के लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन पी एन जंक्शन आफ्टर द फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एन साइड विल टेंड टू फ्लो टू पी साइड एंड द होल्स ऑफ पी साइड विल टेंड टू फ्लो टू द एन साइड टू कंपेसेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिफिशियंसीज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे पी एन जंक्शन होता क्या है। ये देखिए पी एन जंक्शन है, ये क्या है, पी एन जंक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये जो आपको रॉड दिख रहा है ना, ये पी एन जंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ये पी एन जंक्शन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा था कि जो पी साइड के होल हैं वो फ्लो करेंगे एन साइड और जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे पी साइड। तो आप देख सकते हो एन साइड, एन इधर है। ठीक है, तो पी के होल इधर फ्लो कर रहे हैं, आप देख रहे हो इधर फ्लो कर रहे हैं, पी के होल इधर फ्लो कर रहे हैं और एन के इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं। तो बेसिकली यही कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि पी एन जंक्शन में फोटोन एब्जॉर्प्शन के बाद होता क्या है कि जब फोटोन एब्जॉर्ब होता है, मतलब जब सूर्य की किरणें यहाँ पर आती है, तो फोटोन एब्जॉर्प्शन के बाद जो पी साइड के होल हैं वो फ्लो करेंगे एन साइड और एन साइड के इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पी साइड। और ये जो डिफ्यूज़न है वो क्या क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। ये डिफ्यूज़न इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लो करने के बाद। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये फ्लो हुआ तो ये डिफ्यूज़न एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस हुए। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया तो इससे क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुआ, मतलब बल्ब जल गया। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यही कहना चाह रहा है कि ये डिफ्यूजन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, दिस डिफ्यूजन्स विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म एंड रीजन्स टू पी रीजन। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा एन रीजन से पी रीजन। ठीक है, दिस फील्ड विल इंक्रीज अंटिल इट रीच इक्विलिब्रियम ऑफ वी ई द सम ऑफ डिफ्यूजन्स पोटेंशियल्स फॉर होल एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इफ इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट्स आर मेड विथ टू सेमी कंडक्टर मटेरियल्स एंड कंटैक्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल थ्रू अ कंडक्टर टू अ पी टाइप मटेरियल। राइट, ये बेसिकली हमें ये कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कंटैक्ट्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कंटैक्ट्स बन रहा है, ठीक है, अगर वो बनेंगे दो सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ, ठीक है, अगर वो दो सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ बनेंगे तो एंड कंटैक्ट्स आर कनेक्टेड, तो ये कंटैक्ट्स कनेक्टेड होगा किसके द्वारा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक कंटैक्ट्स जो हैं दो सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ बनते हैं तो ये जो कंटैक्ट्स है ये कनेक्टेड होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कंडक्टर के द्वारा और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लो होंगे कहाँ से, एन टाइप से, किधर को फ्लो होंगे, थ्रू द कंडक्टर और टू द पी टाइप मटेरियल। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एन टाइप से वो फ्लो होंगे किसके द्वारा, पी टाइप मटेरियल कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पी साइड होते हैं, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना होल है, ये पी के साइड होल है और ये जो आप देख रहे हो डॉट डॉट, ये एन के साइड है। ठीक है, और ये जो हमारा रॉड है ये क्या है, बेसिकली सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो ये बेसिकली यही कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट्स जो है बनते हैं दो सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ, यदि इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट्स बनते हैं दो सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ तो ये जो कंटैक्ट्स है ये कनेक्टेड होगा, ये कंटैक्ट कनेक्टेड होगा एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कंडक्टर के द्वारा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लो करेंगे एन साइड मटेरियल, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे कहाँ, एन साइड मटेरियल से किसके द्वारा, पी साइड मटेरियल के द्वारा। ठीक है, देखो फिर ये क्या कह रहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करेंट्स विच विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर बींग फॉर्म्ड बाई अ सोलर रेडिएशन। ये कह रहा है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
ये कह रहा है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक्सटर्नल कंडक्टर के द्वारा वो कंस्टिट्यूट्स मतलब होगा, ठीक है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक्सटर्नल कंडक्टर के द्वारा कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करेगा, विच विल बी कंटिन्यू, जो कि कंटिन्यू होगा। कहने का मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक्सटर्नल कंडक्टर के द्वारा वो उत्पन्न करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, जो कि विच विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब ये कंटिन्यू होंगे जो अधिक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यू होंगे और होल्स भी, जो कि ये फॉर्म्ड होंगे किसके द्वारा, सोलर रेडिएशन के द्वारा, ओके। एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ अ फोटोवोल्टेइक कन्वर्जन, और ये जितना हमने आपको बताया ये क्या है, ये बेसिक है किसका, फोटोवोल्टेइक कन्वर्जन का, ठीक है, बेसिस है सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि जो कि कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। द कम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर दस कंस्टिट्यूट फोटोवोल्टेइक सेल और सोलर सेल, ऑल सच सेल जनरेट डायरेक्ट करंट विच बी कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेट करंट्स इफ डिजायर, ठीक है।